तो हर एक फैकल्टी का एक सपना होता है कि अपना उसका एक स्टूडियो होना चाहिए, और फाइनली मेरा ये सपना 4.5 साल बाद हमने पूरा किया है, जहाँ पे मैंने एक अपना बहुत ही प्यारा सा एक स्टूडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने स्टूडियो टूर करवाने वाला हूँ। तो अगर आप स्टूडियो देखना चाहते हैं या अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आ जाइए, मैं आपको एक स्टूडियो टूर करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने इधर लगाई है ग्रीन स्क्रीन, इसको मैंने फिक्स किया है वुडन फ्रेम से ताकि ये हिले ना, और देखिए आप कितना टाइट है, हमने इसको ग्रीन स्क्रीन को फिट किया है ताकि एक अच्छे से रिकॉर्डिंग हो पाए। थोड़ा सा इधर आ जाइए जहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। अब सबसे पहले रिकॉर्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कैमरा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लगाया है सोनी का कैमरा, राइट। आप कैमरा दिखा सकते हैं जूम करके, राइट। तो सोनी का ZV-E10 कैमरा है, काफी प्यारा कैमरा है जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग का आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट दिख रहा है, राइट। तो जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट, उसका रियल टाइम आउटपुट हमें यहाँ दिखेगा। अब पढ़ाने के लिए हर एक फैकल्टी जो होता है वो एक OBS सॉफ्टवेयर को यूज करता है, तो OBS सॉफ्टवेयर का जो भी आउटकम होता है, आउटपुट होता है, वो इस मेरे को सामने वाली स्क्रीन पे दिखता है। अब सिंस मुझे खड़े रहकर भी पढ़ाना पसंद है और बैठ के भी पढ़ाना पसंद है, तो उस चीज के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा टेबल लिया था, और इस टेबल की खासियत ये बात है कि अब इसमें टेबल में एक बहुत प्यारा सा एक हैंडल दिया है जिसके थ्रू आप इस टेबल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। देखिए आप, जब भी आपको खड़े रहकर पढ़ाना है आप खड़े रहकर पढ़ाइए, अगर आपको बैठ के पढ़ाना है तो बैठ के पढ़ाइए, तो पूरा एक एडजस्टेबल टेबल है। इसके साथ साथ, राइट, आप अपने आईपैड के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं तो आईपैड को आपको कनेक्ट करना पड़ता है, राइट, एक कनेक्टर के साथ और एक HDMI केबल के साथ। अगर आप वही चीज अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। रिकॉर्डिंग के लिए माइक का जरूरत होता है, तो मैं यूज करता हूँ ब्लू येटी माइक, राइट। काफी प्यारा माइक है, राइट, इसको मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, जिसको मैंने अपने नए स्टूडियो में भी ला लिया है कि भाई तेरा साथ हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप भी आ जाइए। तो मैं ब्लू येटी का माइक यूज करता हूँ। इसके साथ साथ सामने मैंने एक स्क्रीन लगाया है, एसर का मैंने एक स्क्रीन लिया है ताकि अगर कोई भी आउटपुट चलता रहे या मेरे जूम पे क्लासेस दिखे तो मुझे रियल टाइम पे वो दिखता रहे कि भैया क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं, राइट। तो 2 स्क्रीन मेरे पास एक रहती है। इसके साथ साथ मैंने साथ में पॉडकास्ट रूम बनाने की भी कोशिश की है, जहां पे मैंने कोशिश की है कि भैया एक बढ़िया सा पॉडकास्ट का सी शेप का टेबल बनाया है, जहां पे 2 पैनल या 3 पैनल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर मैं चाहूं कि यार मुझे मॉक इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करना है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको भी मैं कंडक्ट कर सकता हूं। अगर आप आना चाहते हैं मॉक इंटरव्यू में तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि भैया आप भी आना चाहते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। इसके साथ साथ अगर आप लाइट्स देखें तो ऊपर आप एक बार दिखा सकते हैं सीलिंग पे, राइट, सीलिंग पे हमने काफी सारी लाइटें लगाई हैं, राइट। मैंने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रखा है व्हाइट और येलो का ताकि एक फेस में बढ़िया सा कलर है, राइट। तो ये मैंने 3-4 लाइटें लगाई है, और काफी बार जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेरे को ग्लासेस लगे हुए हैं, तो ग्लासेस में रिफ्लेक्शन ना आए इसलिए मैंने, आप देखिए कि कितनी प्यारी एक बॉक्स लाइट मंगाई है, राइट। इस बॉक्स लाइट से क्या होता है कि आपके फेस पे बहुत प्यारी सी एक लाइट आ जाती है, राइट। तो एक हमारा एक छोटा सा स्टूडियो रूम है, राइट। हमारा काफी टाइम से सपना था एक स्टूडियो बनाने का, और फाइनली ये सपना पूरा हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कमेंट्स है, तो जरूर आप रीच आउट कीजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और इसके साथ साथ अपस्किलिंग के लिए, राइट, इंटरव्यूज के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू विजिट cmom.com। थैंक्स फॉर विजिटिंग अस।